दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज संबंधित कुछ बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप सब पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैटर है आपको क्वेश्चन का, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों के उदाहरण हैं कौन कौन से जैव उर्वरकों के रूप में यूज किए जाते हैं? राइजोबियम, नास्टाक, एनाबिना। ठीक है, ये तीन जो जीवाणु हैं, ये बैक्टीरिया हैं जो जैव उर्वरकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? ह्यूमिलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैनग्रोव पौधे का उदाहरण है राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा एक ऐसी मैनग्रोव ऐसी वनस्पति है जो दलदल या कीचड़युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर जो भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, इनकी जड़ें जो होती हैं भूमि से ऊपर एक खूंटेदार संरचना निकलती है जिससे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, PAN पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट कौन सा प्रदूषक है? ये द्वितीय श्रेणी का प्रदूषक भैया है ना, कौन सा है? द्वितीय श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, धान की खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? मीथेन। कौन सा होता है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसकी है? CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है कि जब बंद कमरे में अंगीठी वगैरह लगा दी जाती है तो उससे जो धुआं निकलता है, उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्लड में जो ब्लड में क्या होता है कि ब्लड के साथ जुड़ जाती है और एक स्थायी यौगिक का निर्माण कर लेती है ना, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है, इसी प्रकार ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और जहाँ हीमोग्लोबिन को जुड़ने का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन के लिए जुड़ने का स्थान ही बचता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दम घुटने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वह जो है ओजोन परत को पतला करती है। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं अपन, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। ठीक है, एयर पोल्यूशन के सबसे अच्छे इंडिकेटर होते हैं लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर एट, ये भी बहुत सी नाइन ये भी बहुत ही बार पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण होती? 4 दिसंबर, ये याद रखना आप, 4 दिसंबर 1984, ठीक है, 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम। ठीक है, कैडमियम जो होता है जिसके कारण इटाई रोग होता है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? ब्लड कैंसर की, रक्त कैंसर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ओजोन परत सामान्य किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर तेरह, क्रैकिंग गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को क्रैकिंग गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौदह, हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? यूरो 4। ठीक है, किसका है? यूरो 4। क्वेश्चन नंबर 15, पार्थेनियम जिसको गाजर घास बोलते हैं, के पराक्रम से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग है ना, चर्म रोग और दमा। दमा एक सांस की बीमारी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 0.001%। कितनी होती है? 0.001%। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 4.2 से कम होता है। कितना होता है? 4.2 से कम। क्वेश्चन नंबर 18, बायोगैस में किस गैस की मात्रा प्रतिशत सर्वाधिक होती है?
मीथेन की, CH4 ये अनुसूत्र होता है इसका मीथेन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई 1953 में, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ठीक है, जिसको अपन डीबी से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, डीबी से। हेलोफाइट्स होते हैं लवण प्रतिरोधी होते हैं, कैसे होते हैं, लवण प्रतिरोधी। क्वेश्चन नंबर 23, मानसल पौधे कहाँ पाए जाते हैं, मरुभूमि में, ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुभूमि में। क्वेश्चन नंबर 24, स्टोमेटा किस में दशे होते हैं, ज़ीरोफाइट्स में, कहाँ पर, ज़ीरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्यतः बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, 60 डेसिबल होती है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता स्तर कितना है, 75 डेसिबल, कितना है, 75 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 27, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना है, 55 डेसिबल है, कितना है, 55 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न आवाज़ को क्या कहते हैं, सोनिक ब्रूम। ठीक है, जो जेट विमान होते हैं उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं सोनिक ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 29, पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर की किस टापू पर किया गया था, बिकिनी टापू, 1954 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, किस स्तर से अधिक ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कहलाता है, 80 डेसिबल से ज़्यादा। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा होगी तो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, नॉर्वे में, कहाँ पर होती है, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 32, किसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, मनुष्य की जनसंख्या का। ठीक है, मनुष्य की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जाति के सभी सदस्यों की संख्या समष्टि कहलाती है, क्या कहलाती है, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 34, माइकोराइडा किसका उदाहरण है, सहजीवी संबंध का। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सहभोजिता में क्या होता है, एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि नहीं पहुंचती, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती, इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको सहभोजिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहभोजिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।